निवेदन करना चाहता हूं अपने महंत जी के चरणों में कि जितना भी सीवेज गंगा जी में हम डालते हैं, चाहे वह बड़े अर्बन मेट्रोपॉलिटन एरियाज हो या छोटे शहर हो या टाउनशिप हो, आज की डेट में भी सर 50% से कम सीवेज ट्रीट करके गंगा जी में डाला जाता है। ज़्यादातर सीवेज बिना ट्रीट किए हुए डाला जाता है। और मैंने जितने भी एसटीपी पर विजिट किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ट्रिकलिंग फिल्टर एक सबसे कॉमन मेथड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, जिसमें हम आर्गेनिक कार्बन को दूर करते हैं, निकालते हैं, बीओडी को कम करते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर ज़्यादातर एसटीपी पर ट्रीटमेंट प्लांट पर इफेक्टिव नहीं मिलती, ये वास्तविकता है। अगर आप ऑफिशियल विजिटर हैं तो आपकी सेवा भाव करेंगे और आप रिपोर्ट में लिखते हो कि हाँ सब सारे ट्रीटमेंट फैसिलिटीज फंक्शनल है। एक बिंदु मैं और निवेदन करूंगा सर, जो मैंने अपने शोध में पाया है। दो खास बातें मुझे समझ में आई, काम तो हमने बहुत किया है। एक हमारे आदरणीय उपाध्याय साहब रेजिलियंस की बात कर रहे थे, गंगा जी में भी कहीं ना कहीं अब रेजिलियंस ब्रेक होने वाले पॉइंट्स मिल रहे हैं। जैसे हम ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी सबसे ज़्यादा यूज्ड पैरामीटर है, जिसे हम बताते हैं कि जल की गुणवत्ता वास्तव में कहाँ है। अब वास्तव में केवल बीओडी से हम लोग निकालते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन डेफिसिट, कि ऑक्सीजन की मात्रा में कमी कितनी आई। तो केवल बीओडी से डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा में कमी नहीं आती। डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब ये वही ऑक्सीजन है जो हमारे अंदर जाती है और हमें जीवित रखती है। जैसे 94% अगर सेचुरेशन से कम है हमारे ब्लड में तो हम कहते हैं हम खतरे में हैं। ये कहते हैं ना कोरोना काल में कि हमारे अंदर ब्लड में 94% से अगर कम है तो हम रिस्क फैक्टर पर आ गए। उसी तरह से अगर गंगा रिवर में या किसी भी वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल 3 से नीचे जाने लगता है तो वहाँ के ऑर्गेनिज्म को सफोकेशन की कंडीशन आ जाती है। तो कई ऐसे जगह हैं जहाँ हाइपॉक्सिया की कंडीशन नीचे मिलती है, ऊपर सरफेस वाटर में तो रहती है ऑक्सीजन, नीचे हाइपॉक्सिया की कंडीशन मिलती है और उसका कारण है सेडिमेंट ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम जो लोग मेजर करते हैं वो वाटर में मेजर करते हैं। सेडिमेंट की बायोलॉजिकल और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बिल्कुल अलग होती है, जिसको हमारे गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत ज़्यादा इम्पेसिस या कभी ध्यान नहीं दिया। तो जो ओवरऑल ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है वो डेफिशिएंसी जो है सेडिमेंट ऑक्सीजन डिमांड से काफ़ी बढ़ती है। और उस सेडिमेंट ऑक्सीजन डिमांड में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो सीधे ऑक्सीजन का डिमांड